कोरोना का कहर जारी है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत कोरोना से। जहां कोरोना ने पूरी तरह से प्रदेश में पैर पसार दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मित्र पुलिस ने अपने नाम को साकार कर दिया है। जी हाँ, उत्तराखंड पुलिस ने अपने तमाम कामों को छोड़कर पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है कोविड पेशेंट्स को बचाने के लिए। लगातार कोरोना के मरीजों को वो पूरी तरह से देख रेख करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा SDRF की टीम ने एक प्लाज्मा ग्रुप बनाया है, जिससे जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको प्लाज्मा की सख्त ज़रूरत है, उनको सही समय पर प्लाज्मा डोनेट किया जा सके। ऐसे में मित्र पुलिस की ये पहल बेहद सराहनीय है। जिन कोविड पीड़ित को लोग छूना पसंद नहीं कर रहे हैं, पास जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनके परिजन भी उनके करीब नहीं आ रहे हैं। ऐसे में SDRF की टीम ने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें वो उन कोविड पीड़ित पेशेंट्स को जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी अंत्येष्टि करने में लगी हुई है। ऐसे में ये बेहद अच्छा कदम है, क्योंकि इससे जहां उनके परिजन बेहद परेशान हैं और डरे हुए हैं, ऐसे में SDRF का ये कदम बेहद सराहनीय है। इसे बेहद अच्छी पहल कहा जा सकता है। एक चेहरा और भी है। पूरी तरह से अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लोग बेहद उत्पीड़न में जी रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में उनको बेड्स अवेलेबल नहीं है। चाहे देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, उद्धम सिंह नगर या फिर नैनीताल, सभी पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में लगे हुए हैं कि किसी तरह से उनको ऑक्सीजन बेड मिल जाए या फिर ICU बेड मिल जाए। ये काम हालांकि सरकार का था, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल है ऑक्सीजन बेड देने में और ICU बेड देने में। कहते हैं रिश्ते बड़ी मुश्किल से बना करते हैं, और ऐसे में जब कोरोना का कहर उन रिश्तों पर भारी पड़ जाए तो वो अक्सर टूट जाया करते हैं। ऐसा ही हाल उत्तराखंड में है। हजारों की संख्या में शादियां टूट चुकी हैं, पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं, क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन की तरह कर्फ्यू ने अपनी जगह बना ली है। ऐसे में शादियों के लिए किसी भी हालात में परमिशन नहीं मिल रही है, तो इसको देखते हुए कुछ शादियां टूट रही हैं और कुछ पोस्टपोन्ड हो रही हैं। इससे हजारों लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है पूरे देश में, और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में अब तक करोड़ों रुपये का नुकसान उन लोगों को हो चुका है जिन्होंने शादियों के लिए धन इकट्ठा किया था कि वो अपने बच्चों की शादी ठीक तरीके से अच्छे से कर सकें। पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत की कमी बनी हुई है। पूरी तरह से किल्लत इतनी ज़्यादा है कि लोग बेहद परेशान हैं। हर जगह पर ट्रकों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ऐसे में एक सराहनीय कदम उठाया है उद्धम सिंह नगर के युवाओं ने, जिन्होंने ऑक्सीजन फ्री में बांटने का पूरा बीड़ा उठा लिया है। वो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसा ही हाल देहरादून का भी है। देहरादून में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि जिनको कोई भी ज़रूरत हो, कमी हो, वो उन तक तुरंत मदद पहुंचाएं। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इंडिया टुडे ग्रुप आपसे अपील करता है कि आप सुरक्षित रहें, डबल मास्क में रहें, और हो सके तो अपने घरों में रहें। जय उत्तराखंड।